IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ये खेलों का एक ऐसा रंगमंच है जहां हर क्रिकेट प्रेमी रोमांच से भर जाता है। ऐसा ही रोमांच से भरा माहौल अब उत्तराखंड में बनने वाला है। जी हां, सही सुना आपने, BCCI उत्तराखंड में लेकर आ रहा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग, जिसे UPL का नाम दिया गया है। साथ ही BCCI वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग यानी कि WUPL की भी शुरुआत कर रहा है, और यह दोनों लीग IPL के स्तर की होगी, जिसका आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में संगठन के सचिव महिम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग तथा महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वावधान में सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होगा, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। UPL एवं WUPL BCCI द्वारा स्वीकृत लीग है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों को लाभ होगा, साथ ही स्थानीय युवा जो क्रिकेट में बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी एक बेहतर मौका मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह लीग IPL के तर्ज पर आयोजित की जा रही है, जिससे आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये मैच डे एंड नाइट में खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम में आइकन प्लेयर्स, बोट ट्रॉफी प्लेयर्स तथा अनकैप्ड प्लेयर्स के माध्यम से टीम का गठन किया जाएगा। अनकैप्ड प्लेयर का चयन दिनांक 16 से 23 जून तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तथा हाईलैंडर स्पोर्ट ग्राउंड काशीपुर में ओपन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। यहां बता दें कि इस ट्रायल के लिए खिलाड़ी के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर स्कूल कॉलेज की मार्कशीट होना अनिवार्य होगा। इस लीग में अन्य राज्य के खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास उत्तराखंड में वो कहां रहते हैं या फिर कहां कार्य करते हैं उसके प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ IPL के तर्ज पर भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें कई खास मेहमानों द्वारा शिरकत की जाएगी। UPL के ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा 3 जिलों में फैन पार्क UPL 2024 भी स्थापित किए जाएंगे, तथा सभी मैच जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव प्रसारित होंगे। तैयारी तो है, ग्राउंड हमारे रेडी है, रजिस्ट्रेशन का चालू 15 से रजिस्ट्रेशन चालू होगा बच्चों का, 15-16 रजिस्ट्रेशन है और 17 से इनके ट्रायल्स हैं, फिर काशीपुर से यहाँ से पिक करके तो सेंट्रल स्टाइल यहाँ भी होगा, शॉर्टलिस्ट करेंगे वहाँ से करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। IPL के टर्म पे जो हम यूपीएल करने जा रहे हैं, किस तरह से क्या ग्रैंड सेलिब्रेशन आप लोग प्लान कर रहे हैं इसका? और उसके लिए मैंने बोला आपको, मैं खुद एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ट्रॉफी रहेगा और क्या प्रोग्राम रहेगा, कौन ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और ओपनिंग क्लोजिंग से भी कौन किसको बुला रहे हैं, क्या बैंड्स हैं, कौन से आर्टिस्ट हैं, तब उसको डिटेल बताया जाएगा। तो उसमें छह के जो हमारे फ्रेंचाइजी है वो भी साथ में रहेंगी। प्लेयर्स की मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या क्या रहेगी? मैक्सिमम तो कुछ नहीं, मिनिमम है कि अंडर 19 के जो बच्चा वो भी है, कितना उनको भी ग्रूम करें, अंडर 19 की क्लास के बच्चे जो हैं, हाँ अंडर 19 को करें ताकि वो उसमें भी आ जाए। कितने बच्चों का ट्रायल हम ले रहे हैं जो अनकैप्ड प्लेयर हैं? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 23 का ट्रायल कराया था, जो बोर्ड के ट्रायल कराया तो ही 450 बच्चे आ गए थे, अब ये तो ओपन ट्रायल है। यही उन्हीं के लिए प्राथमिकता कह रहा हूँ, यही उन्हीं के लिए क्राइटेरिया ऐसे लगा रखे हैं, बर्थसेट कौन लाएगा, बाहर का आदमी बर्थसेट लेके आएगा नहीं, सब उत्तराखंड के ही बच्चे खेलेंगे किसी भी तरीके से, उसे हम देखें यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पर पैदा हुए हुए हो, सब यही यहीं के खेले। हाँ, जॉब करने कंडीशन है वो तो वीसा है कि आप मुझे एक साल की सैलरी देंगे, बैंक स्टेटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे प्रॉपर जो होता है, उसके बाद ही वो है। तो साथियों, आप में भी है अगर क्रिकेट का जुनून और आप भी हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी, तो आपके पास आ रहा है एक सुनहरा मौका। 16 जून से 24 जून तक उत्तराखंड में होने जा रहे हैं ट्रायल, जो काशीपुर और देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल में भाग लेकर अपना भाग्य आजमाएं और बन जाएं उत्तराखंड की बेहतरीन प्रीमियर लीग यानी कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग का हिस्सा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। देख रहे हैं NIU News India Update।